तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के हम वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो 2020। इसमें काफी अपडेट्स देने की कोशिश की और काफी इन्फॉर्मेशन सामने आई है, तो मैं इसी वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो महिंद्रा थार है 2020 और XUV500 है महिंद्रा, ये तीनों गाड़ी टेस्ट के दौरान देखी गई है। और आपको पता है महिंद्रा गाड़ी में तीनों में ही अपडेट दे रहा है। तो XUV500 एंड थार पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, जरूर देखना। तो अब आते हैं स्कॉर्पियो 2020 में क्या क्या रहने वाला है। तो गाइस, अभी इसको टेस्ट के दौरान देखा गया और काफी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, तो मैं आपको मिक्स नहीं करूंगा इन्फॉर्मेशन, पॉइंट वाइज क्लियर करता हूं, तो जल्दी से वीडियो बताता हूं। तो गाइस, अगर इंटीरियर पे बताता हूं, जो जो कैमरे के शॉट से देखा गया, जो स्पाई शॉट्स पे पता लगा है, जिसका इंटीरियर काफी ज्यादा मस्त रहने वाला है, ड्यूल टोन इंटीरियर रहने वाला है। और आपको याद है 2002 में ये लॉन्च हुई थी, उसके बाद 2006 में इसको अपडेट दी थी, और उसके बाद थोड़ी बहुत अभी अपडेट दी थी, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं दी थी। तो अब काफी इसलिए मेजर अपडेट देने की है, तो पूरी इसके डायमेंशन क्रम चेंज कर दी गई है। तो अंदर से एक तो इसका ड्यूल टोन आपने इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, ऊपर से वहीं आ जाओ तो स्टेयरिंग काफी ज्यादा चंकी लग रहा है, उसमें आपको माउंटेड बटन मिल जाएंगे और अंदर आपको सेंटर कंसोल पहले जैसा ही देखने को मिल जाएगा। और गाइस, जो इसकी इंटीरियर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अप टू द मार्क करी गई है, इसकी इंटीरियर क्वालिटी पहले से ज्यादा बेहतर कर दी गई है। और वहीं पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जो अपसाइड होगा आगे, वो एक नया फीचर है, वो भी आपको पिक्स में शो हो रहा होगा। तो अगर गाइस इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं फीचर बता दूं, तो इसमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड दोनों सपोर्ट करेगा। और जो इसमें बेहतरीन चीज लग रही है, जो इसका स्पीडोमीटर है वो पूरा डिजिटल कर दिया जाएगा, तो यार ये देखना यूनिक रहेगा कि कैसा है। हालांकि पिक्स से पता लग रहा है साइड में जो स्पीडोमीटर के प्लास्टिक यूज कर रहा है वो पहले जैसा ही यूज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन आज जो इसका स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है, अब वो देखना यूनिक होगा। तो गाइस, इसमें थर्ड रो दी गई है और फ्रंट फेसिंग करी गई है, ये आपकी जर्नी को काफी ज्यादा आरामदायक कर देगा। और जो इसके डायमेंशन चेंज कर दी गए, बाहर से गाड़ी बिल्कुल चेंज कर दी गई है, लुक समझ में ही नहीं आ रही कि स्कॉर्पियो है कोई और है इसकी, क्योंकि डायमेंशन लेंथ वेट सब बढ़ा दिया गया और इसको एक अच्छा दिया गया है, अंदर से कैबिन की प्रीमियम फील आ रहा है, उसके अलॉय व्हील्स भी बड़े कर दिए गए ताकि आपकी राइड स्मूथली हो। और गाइस, अगर इंजन की बात करूं तो 2 लीटर का फोर सिलेंडर इसमें इंजन दिया गया है, जो आपको थार में भी दिया जा रहा है 2020 वाली, सेम इंजन इसमें भी यूज किया और सेम इंजन उसमें भी, तो इसका रिस्पांस देखना काफी खास होगा कि इसका रिस्पांस कैसा मार्केट में आता है। BS6 इंजन तो होगा, क्योंकि BS6 के रूल्स आ चुके हैं, तो BS6 इंजन तो डेफिनेटली होगा, प्राइस में थोड़ा बहुत हाइक तो हो गई। और गाइस, अब ये देखना रहेगा कि इसकी एवरेज कैसी रहती है, कि क्या पहले की वाली स्कॉर्पियो से अच्छी निकलती है या नहीं अच्छी निकलती। और गाइस, वहीं आपको ये 6-स्पीड ऑटो और 6-स्पीड ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। तो गाइस, बस इतनी सी थी। और लॉन्च बता दूं तो ये आपको 2020 ऑटो एक्सपो पे डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो पिक्स से और नॉलेज से आपको मैंने थोड़ा बता दिया स्कॉर्पियो कैसे रहने वाली है। तो ये वीडियो मैं यही एंड कर रहा हूं, अपने कमेंट करके बताना आपको कौन सा पॉइंट में बढ़िया लग रहा है। तो गाइस, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।